शेव व्लॉग्स। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान की बहुत 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 मुबारक, और सेकंड बात ये कि मेरा फर्स्ट व्लॉग है रमज़ान में। इंशाल्लाह मुझसे जितना कवर हो सका उतने दिन में मैं कवर करूँगी अपना व्लॉग, दिन में नहीं दिन के। यस, सो अभी मेरा मुँह आप इग्नोर कीजिए क्योंकि मैं सो के उठी हूँ। बाय द वे, तो यस इस अभी सैरी हमने कर ली है। सैरी इसलिए मैंने नहीं दिखाई क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी की टाइम की वजह से। बाकी मैं अभी ये पी रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा खाया नहीं गया, सो के अभी उठी जस्ट, सो दैट्स व्हाई। तो सैरी हमने कर ली है, फिर मैं इफ्तार तक का शूट करती हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम आपको बाद में। जब तक के बज चुके हैं सुबह हो रही है, तो मैं बस अभी सोने लगी हूँ। उसके बाद सुबह उठ के मिलते हैं, तैयारी करते हैं इफ्तार की और घर का काम वगैरह सब करना है। तो मिलती हूँ आप लोगों को सुबह, और अभी मैं सोती हूँ। माशाल्लाह सुबह के 7:30 बजने वाले हैं और यहाँ पर मैं देखा कि बारिश हो रही है। माशाल्लाह सुबहानअल्लाह, गाइस अभी बारिश हो रही है और इतना कोई सुकून मिल रहा है ना यहाँ बैठ कर। सॉरी मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। बाकी मैं कह रही हूँ कि इतना सुकून मिल रहा है, मैं सो गई थी बट लाइट चली गई। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में अगर बारिश आ जाए थोड़ी सी भी तो लाइट चली जाती है, तो बस यही हाल है। लेकिन बाय द वे बात सारी ये है कि बारिश हो रही है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इतना अच्छा नज़ारा देख रही हूँ यहाँ पर। ये देखें बारिश, माशाल्लाह पहला रमज़ान, पहला दिन है रमज़ान का और इतनी अच्छी रहमत बरस रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो यस, आप सब अपनी दुआ में याद रखें, मैं भी आप सबको अपनी दुआ में याद रखूँगी। इसी के साथ, इसी रमज़ान के साथ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और दुआ में याद रखें। माशाल्लाह सुबह के 1 बज रहे हैं और अच्छी बारिश हो रही है। मुझे तो मैंने पढ़ ली है नमाज़, अब मैं पढ़ लूँ कुरान पाक। तो अभी बस टाइम हो रहा है 1 बजे। Yes everyone, तो अभी इफ्तार का टाइम हो रहा है, थोड़ी तैयारी है वो कर लेते हैं, बाकी तो मम्मा ने कर दिया। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बन चुका है और क्या क्या बनाना रहता है। यहाँ पर तैयारी हो रही है खजूर वगैरह की, मम्मा क्या कर रही हैं, पकोड़े की तैयारी हो रही है। तरबूज जो है वो काट लेती हूँ ताकि वो ठीक तो थोड़ा ठंडा हो जाए खाने के। आप क्या कर रही हैं? कुछ भी नहीं, काम कुछ काम की नहीं है। चलो आप कैमरा पकड़ लो, आपके पास कोई काम नहीं है। इतनी बड़ी छुरी से मैं इतना बड़ा तरबूज काट रहा हूँ, पहले हम छुरी ढूंढते बड़ी। हाँ कह रही है अच्छी है, लेट्स सी कैसी है, काट के पता चलेगा। Why are you so, you know? सबसे पहले तो मैं थैली निकालूँ ताकि इसके अंदर कचिया डाल सके। पंजल आ जाओ, यहाँ भी रख डाल सकती। दही बड़ी भी बन चुके हैं,
थोड़ा हम फ्रीज का वो करवा के आते हैं जब तक आप एक ही काम करो, और वो चाहता तो है नहीं। तो अभी हम चलते हैं फ्रीज की ओर, फ्रीज में देखते हैं क्या क्या रेडी होके फ्रीज में रख दिया है। ये जूस है, नहीं बड़े अब्ज है जो हर घर में रोजे वाले दिन होता है, तो अब मोस्टली होता ही है, एक या दो पर्सन को तो पसंद ही होता है। और यहाँ कुछ ऐसा खास नहीं है क्या? अब मैं ये काटने खरबूजा, हाँ पप्पा खाते हैं ना, फिर ये अलीशबा खुद देख के करती है। कुछ भी काम की नहीं है, क्या बोलूँ, बिला जा करूँ क्या? नहीं ना, नो ब्रो नो। चलो एक काम करो, कोई काम की तो नहीं, इसको डी में रखेंगे। अब मैं एक हाथ में मेरा मोबाइल है, एक हाथ में ये है, मैं कैसे करूँ? कुछ दिख तो रहा नहीं आपको, ये लग दिया। हाँ तो एक दफ़ा मैंने शुरू नहीं करना चाहिए, एक दफ़ा मैंने ना वो कर दिया क्या, मैंने ना फ्रिज का वो खोला तो उसके साइड में सब कुछ पड़ा होता है, वहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट पड़ा था और वो मैंने पूरी बॉटल गिरा के तोड़ दी और फिर मैंने उसको ठगी हुई रख दी। मासूम शक्ल दूँ, अच्छी लग रही हो ना? नहीं अब अच्छे हो जाएंगे, तब तलेगी क्योंकि 7:15 पे रोज़ा खुलेगा, इसलिए थोड़ी चीज़ें गर्म भी होनी चाहिए ना, थोड़ा ठंडी ठंडी रोटी ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना है, हमें करना है सिर्फ थोड़े आ जाते हैं पीछे, ज़रा इग्नोर। बट पकोड़े तो वो ही है, परमानेंट है। हाँ पकोड़े परमानेंट है, बाकी तो जो वो होती है वो बदलती। यहाँ पर मैं गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, सब उसकी साइड बदल गई है। ये प्याज के हैं और इसकी ये आलू का, ये प्याज, समझ गई। अगर उल्टा सीधा हुआ कुछ तो कुछ है, क्या करूँ मैं खुद ही कर रही हूँ सारा। इसलिए सिर्फ दो ही है, इसलिए हमें सब क्या करूँ, इतना दूर नहीं जा सकती ना मैं। रोज़े खुलवाने में ये होता है कि सब सारी चीज़ें ऑन टाइम करनी पड़ती है, जो रोज़ा खुल जाएगा, वरना आम डेज में आप कभी भी वो कर सकते हैं। तो इसमें तो फाइनली समोसे हो गए, बलिशवा पकौड़े बनाएगी, तल लेगी वट एवर। बट मोटी मोटी अच्छी नहीं लगती, पतली पतली होते ना वो आलू, तुम बनाओगी तो फूलेंगे ना खुशी के मारे। मैं ज़्यादा नहीं हंसना था, सही है ना? तो लग रहा है आज मैं कैमरा गर्ल हूँ, तो रोज कैमरा बॉय होती है।
नहीं लाइक मैं आज मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ करती नहीं, कुछ ना करके तो कुछ करी है। आज जायदाद किससे होता है? हम समोसे के करते हैं, समोसे के करते हैं, सही है। पकौड़े भी आ गए हैं कि अगर मैं अच्छी ना हूँ तो मुझे कट कर देना। ओके बेटा, कट 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 कट, ऑलरेडी कट बोल दो, वैसे ज़्यादा हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है। हम इतनी खूबसूरत हसीन हूँ कैसे ना, रोज़ा रोज़ा बोलते थे कि रोज़ा होगा, रोज़ा होगा, रमज़ान आने वाला है और पहला रोज़ा होने वाला है। हर चीज़ कितनी जल्दी जल्दी हो रही है, अब ईद भी कब आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। यो अलिश्वा, इग्नोर करने तो सही बात है। हाँ हाथी भाई, जल्दी जल्दी हाथ चलो। समझिएगा कि मैं आज ही करी हूं ब्लॉग के लिए, मम्मा मैं हमेशा करती हूं। जी नहीं, थोड़ा तेज बोलो जी जी, बस ऐसे ही, बस गुजारना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बेशक क्यों नहीं अलिश्वा, बट ये नहीं समझिएगा कि मैं कोई काम ही नहीं करती, यही समझिएगा। क्यों मम्मा बोलो जी। नहीं वैसे पेपर चल रहे थे, मैंने एक चीज भी नहीं कुछ किया, चल के तो हो रहा है, हमने तो बस ऐसे ही कुछ पढ़ा है, हमने कुछ पढ़ा नहीं था, ये सब छपाई से किया है और मैं बिल्कुल रात दिन एक की है मैंने। प्याज की रोली तो चाकी टाइम हो जाए, आलू के पीछे रही है प्याज के, छोटे एक एक चम्मच। अलीशा वो ऐसे पकौड़े नहीं बना रही तू आज, वो वीडियो नहीं देखी बगल वाली? बिल्कुल ओ अच्छा जी, नहीं तो जब तल जाएंगे तो दस्ते हाथ पे रखते हैं, फिर वो खाते वाते थोड़ा मुझे खोल के फिर बात करते हैं। बाय बाय। तो गाइस यहाँ पे रोज़ा हो गया, यहाँ पे सब दस्तरखान सब हो गए, यहाँ पे बर्तन भी धुल गए जो धुल गए हैं, और बस किचन भी पूरा साफ़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से इफ्तारी हो गई, बहुत मज़ा आया हमें। हम देखते हैं अब जो कुछ आगे हम करेंगे, फिर हम रिकॉर्ड करेंगे। क्यों गाइस, तो अभी मैंने जैसे नमाज़ पढ़ी है, ईशा की नमाज़ हो गई है, मैंने प्रॉपर सब पढ़ लिया है, और अब जो है एक रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट ही हो गया। तो बस अब ये मैं ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे इसके बाद जो है वो सेकंड डे का ब्लॉग शूट करना है। तो ये जो फर्स्ट डे ऑफ रमज़ान था काफ़ी खूबसूरत था, बहुत अच्छा था। आप सबने दुआ की होगी, अल्लाह पाक आप सबके रोज़े कबूल करें और आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, शिफाता फरमाए, सबको जमान में रखे, और जो अर्थक्वेक आया है पाकिस्तान में, अल्लाह पाक सबको अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे, और बस अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे क्योंकि हम बहुत गुनहगार हैं, माफ़ करे इस रमज़ान में। तो बस ठीक है, मैं यहीं पर ये ब्लॉग एंड करती हूँ, और ठीक है गाइस, अगर आप लोग को पसंद आया हो ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, ताकि मुझे और जो है वो हिम्मत मिले करने की, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि टूट जाते हैं अगर ऐसे नहीं होता, मतलब व्यू नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं आते। तो बाकी थैंक यू सो मच जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, जो इतना प्यार दिखाते हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। मेरे से कुछ गला खराब है, जो इग्नोर कीजिएगा। तो ये सब आप लोग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, वो हमें याद रखिएगा इंशाल्लाह, फिर नहीं मिलेगा। बस कल का ब्लॉग शूट करती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।